हे गाइस, माय नेम इज शाकिब और आप देख रहे हो techcube.com। सो इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं हम लोग 5G फोन के बारे में। फिर से इसलिए बोला मैंने क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बताया था आपको कि अपकमिंग फीचर्स और अपकमिंग टेक्नोलॉजी क्या क्या है। 2019 में आई बटन मिल जाएगा आपको इधर उधर कहीं भी, देख लो प्लीज इस वीडियो को, काफी अच्छी वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे अपकमिंग 5G इनेबल्ड फोन्स के बारे में। सो बेसिकली गाइज, IMC 2018 जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस होता है उसमें आपको 5G के बारे में बहुत कुछ था। वैसे तो आपको 2017 वाले एडिशन में भी 5G के बारे में बहुत कुछ था, लेकिन इसमें स्पेशली सैमसंग ने ऑर्गेनाइज किया था, इसको स्पॉन्सर किया था और सैमसंग ने हर जगह 5G के होर्डिंग और पता नहीं क्या क्या लगा रखे थे। गाइज, अगर बात करते हैं कॉम्पैटिबिलिटी की, तो आपको 5G कॉम्पैटिबल होगा आपको चिपसेट पे मोबाइल के। 845 जो था वो आपको स्नैपड्रैगन 845 की बात करूँ मैं, सो बेसिकली गाइज स्नैपड्रैगन 845, किरिन का 980 और एप्पल का एप्पल A12 चिपसेट, ये तीनों लेटेस्ट चिपसेट है और इन तीनों में 5G इनेबल्ड नहीं है। लेकिन गाइज जो नया अपकमिंग आने वाला है वो आने वाला है स्नैपड्रैगन का 855 और ये एक 5G इनेबल्ड चिपसेट है और आपको जो जो मोबाइल में यूज़ होगा ये उन सारे मोबाइल में आपको 5G कॉम्पैटिबिलिटी आ जाएगी आराम से। सो गाइस, सबसे पहला जो फोन है वो आपको सैमसंग की तरफ से ही है, सैमसंग का S10 सीरीज, S10, S10 प्लस और S10 लाइट, ये तीनों फोन आने वाले हैं 5G इनेबल्ड के साथ और 2019 के स्टार्टिंग में आएंगे। बिल्कुल सही बात है ये, और सैमसंग का 10th एनिवर्सरी भी है ये, सो बहुत ही कुछ धमाल कमाल होने वाला है। सो एक्साइटेड रहो इसके लिए और पक्की बात है 5G मिल जाएगा इस फोन में। दूसरा जो फोन है गाइस आपको हुआवे की तरफ से, हुआवे ने अनाउंसमेंट तो फोल्डेबल फोन के लिए किया है लेकिन आपको किरिन का जो 990 चिपसेट है वो अगेन 5G इनेबल्ड के साथ आने वाला है। किरिन का जो चिपसेट होता है वो आपको हुआवे में भी यूज होता है, ऑनर में भी यूज होता है और कहीं नहीं। सो गाइस, ऑनर का जो अपकमिंग फ्लैगशिप होगा, जैसे कि आपको ऑनर का P30 Pro, क्या चांसेस हैं उसमें कि आपको 5G फोन मिल जाए वो, और आपको हुआवे का Mate 30 Pro तो अभी आया था जस्ट, तो 30 प्रो जो होगा उसमें भी आपको 5G पक्की बात है मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट तो एप्पल का। सो गाइस, एप्पल का A13 शायद, इसका कंफर्म नहीं बिल्कुल भी, बस ये मेरा सजेशन है और एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हो तुम इसको। सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एप्पल का A30 जो होगा वो भी 5G इनेबल चिपसेट है, क्योंकि एप्पल 13 या 11 या 12 जो भी है, सो इनका जो भी आएगा, लेकिन पक्की बात है कि 5G होने वाला है क्योंकि 2019 सिर्फ और सिर्फ 5G के ऊपर ही बेस्ड है। चाइना और USA और UK, ये तीन ऐसी कंट्री होने वाली है जिसमें आपको 5G फोन कॉम्पैटिबिलिटी भी आ चुकी है, सो वहाँ पे आने का चांसेस है। इंडिया में अभी शायद टाइम लग जाएगा, लेकिन फोन तो पक्की बातें आएंगे, लेकिन 5G कॉम्पैटिबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी ये मुझको नहीं मालूम है। और गाइस, अगर बात करते हैं अगले फोन की, तो आपको मोटोरोला भी काम कर रहा है, Z3 इनका सीरीज है, Z3 पे भी काम कर रहा है, 5G फोन आने वाला है। मोटोरोला ने बहुत ज्यादा लीक और रूमर्स भी दिए हैं सबको, सो मुझे पक्की मालूम है कि मोटोरोला के भी 5G फोन आएगा। वैसे तो 2018 बहुत ही अच्छा साल नहीं था मोटोरोला का इंडियन मार्केट के हिसाब से, वैसे USA में काफी अच्छा चला है इनका G6, लेकिन इंडिया में पिट गया बिल्कुल बुरे तरीके से। सो 5G पे काम करना पड़ेगा उनको, और इंडिया में लाएंगे तो थोड़ा अच्छी प्राइसिंग के साथ आ जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे मोटोरोला पसंद है और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस होता है उसका। लेकिन फिर भी आपको अगर 13,000 में तुम स्नैपड्रैगन 450 दोगे तो कोई नहीं लेगा, मैं भी नहीं लूंगा। सो आई थिंक गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था और आपको 5G फोन के बारे में थोड़ा सा इंट्रो मिल गया होगा कि कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है 5G फोन पे और 5G इनेबल्ड डिवाइस आने वाले हैं, चिपसेट आने वाले हैं, आ गए मतलब। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।